तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो मैं जस्ट अभी अपना टिफिन ऊपर लेके आया था, बिकॉज ये मेरे टिफिन सर्विस का लास्ट डे था ट्रायल का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं, टिफिन सर्विस कैसी लगी मुझे, एक मंथ का पूरा मेरा एक्सपीरियंस एंड क्या कॉस्ट पड़ती है टिफिन सर्विस की, मैंने कौन सी टिफिन सर्विस चूज करी थी और किन लोगों के लिए टिफिन सर्विस एक्चुअली वर्थ इट है। और मैं एंड में आपको सारी टिफिन सर्विस, मेरी खुद की टिफिन सर्विस और मेरे फ्रेंड्स जो टिफिन सर्विसेज यूज करते हैं, उन सबके नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा इस एरिया में रहते हो तो आप उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अपने लिए भी ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टिफिन सर्विस मेरे घर पे कैसे आती थी। तो ये एक नॉर्मल पॉलिथीन के अंदर वो लोग भर के दे देते हैं। मैं जिस टिफिन सर्विस से यूज करता हूँ, उस टिफिन सर्विस के अंदर वो दो ही ऑप्शन देते हैं, एक बेसिक और एक सिंपल। तो जो बेसिक होता है उसके अंदर वो 5 रोटी देते हैं और 2 सब्जी देते हैं इन 8-8 आउंस कंटेनर, जो कि ये वाली है। और जो सिंपल वाला है उसके अंदर देखिए 8 रोटीज और 2 सब्जी, बट वो दो जो सब्जियां होती है उनके कंटेनर का साइज 12 आउंस हो जाता है। क्योंकि मेरी एपेटाइट बहुत कम है तो इसलिए मैंने ये बेसिक वाले प्लान के साथ किया था। नाउ लेट मी शो यू गाइस कि ये जो रोटी देते हैं वो कैसे देते हैं। सो दिस इज लाइक 1 रोटी जो आई कैन लाइक शो यू गाइस जो आती है। दीज आर प्रीटी नॉर्मल, मैं इनको एज इट इज नहीं खाता हूँ। मैं पर्सनली इन 5 रोटियों को I heat them। तो दीज आर डिसेंट रोटियां, मतलब इंडिया में जितनी हम बड़ी बड़ी रोटियां खाते थे उतनी तो नहीं है, बट दीज आर प्रीटी ओके। एंड आज की एक सब्जी मैं आपके सामने खोल देता हूँ। ये इन तरह के कंटेनर्स में आती है, इनको आप आराम से माइक्रो में भी हीट कर सकते हो। तो आई गेस की गोभी आई है, बट लेट्स सी क्या है। कल तो सरसों का साग था विच वॉज वेरी नाइस। आलू गाजर की बेसिकली सब्जी है एक, एंड इट इज नॉर्मल डिसेंट साइज। इंडिया में एक जितनी कटोरी की सब्जी होती है उतनी है। एंड जो सेकंड सब्जी है दैट इज आई गेस दाल। ओके, सो सेकंड सब्जी दाल नहीं, सेकंड सब्जी आज छोले दिए, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये जितना भी सामान है मेरे पास, क्योंकि इंडक्शन है तो मैं सारा सामान अपने रूम में ही गर्म कर लेता हूँ। नाउ रोटियों के बारे में वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज कि इनको जब मैं इंडक्शन पे गर्म करता हूँ ये फूल जाती है। नाउ बाय एनी मीन्स आई डोंट थिंक ये कच्ची आती है, बट आई थिंक कि अगर आप इनको गर्म कर लेते हो, थोड़ा ढंग से तवे पे थोड़ा सा सेक लेते हो, वो फूल जाती है एंड दे टेस्ट मच बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट। तो नाउ मैं पर्सनली जब टिफिन सर्विस ढूंढ रहा था उस टाइम मैंने सब टिफिन सर्विसेज से बात करी, सबके कोड्स लिए, सबके पैकेजेस देखे, देन आई फाइनली डिसाइडेड टू गो विद दिस वन। एंड क्योंकि मेरी डाइट ज्यादा नहीं है तो उसलिए आई स्टिक विद द बेसिक प्लान। इसके लिए दे चार्ज मी $150। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग विच इज गोइंग टू बी टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फूड। इन माई ओपिनियन मुझे ये टेस्ट बहुत पसंद आया, कभी भी खराब नहीं था। अरे सब्जियां चेंज करते रहते हैं विच इज वेरी नाइस, तो आप कभी बोर नहीं होते हो। आज आई थॉट की दाल आई है बट वो छोले थे, क्योंकि अब घर जैसा खाना यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इतना भी मिलता है तो हम सब खुश है उसमें। और हियर आई वांट टू टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि टिफिन सर्विस लगाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि जो टिफिन सर्विस आती है वो हर रोज नहीं आती है। मोस्टली जितनी भी टिफिन सर्विस होती है वो मंडे से फ्राइडे ही आती है, सैटरडे संडे नहीं आती है। तो एक मंथ अगर आप टिफिन सर्विस लगाते हो तो इट्स टेक्निकली 20 डेज। ऐसा मत समझना कि आपने पूरा मंथ का पैसा दिया तो हर रोज आपको टिफिन मिलेगा। द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी द टाइम, कि आपका जो डिलीवरी वाला है टिफिन वाला वो कब आपको टिफिन डिलीवर करता है। नाउ मेरे केस में मेरे पास ऑप्शन नहीं था टाइम चूज करने का, एंड क्योंकि मेरा टिफिन वाला कम्स फ्रॉम ब्रैम्पटन तो इसलिए वो सुबह 4:30 बजे टिफिन मेरे अपार्टमेंट की लॉबी में रख के जाता था। वो टाइम मेरे लिए बहुत अनकन्वीनियंट था। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं कल रात 5 बजे तक जागा हूँ ताकि मैं टिफिन सुबह जाते उठा के ले आऊं। एंड मैं क्यों जागा था अब मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताता हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये आता है कि गाइज यहाँ पे टिफिन बहुत चोरी होते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई ऐसा होता है, कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर कितने सिक्योरिटी कैमरा लगा दो, कौन आके कब टिफिन ले जा रहा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अच्छी लोकेलिटी में रहते हो तो उस केस में ऐसा चीजें नहीं होती है। क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, यहाँ पे एक कॉमन लॉबी है और लॉबी के अंदर कोई ऐसा पर्सनलाइज स्पेस नहीं है जहाँ पे वो पिन कोड डाल के या कुछ डाल के रखे जाएगा टिफिन। तो मेरे केस में तो अगर जैसे मैंने एक मंथ की टिफिन सर्विस का ट्रायल लगाया था तो 20 दिन में से 4 दिन तो मेरा टिफिन चोरी हो गया था। एंड चोरी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत देर बाद गया था, अगर उसने सुबह 4:30 डिलीवर किया तो मैं, क्योंकि 9 बजे जिम जाता हूँ तो मैं 9 बजे निकला एंड देयर वाज नथिंग देयर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे टिफिन बहुत लोग चोरी करते हैं। मेक श्योर जब आप टिफिन सर्विस लगवा रहे हो ढंग से पूछो कि आप किस टाइम पे डिलीवरी करोगे, ताकि आप लोग उस टाइम या तो उसके आधे से एक घंटे में आप जाके टिफिन ले लो। मोस्टली अगर आप अच्छी लोकेलिटीज में रहते हो तो सुबह से शाम भी पड़े रहे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि ये किन लोगों के लिए बेस्ट सर्विस है या किन लोगों को ये सर्विस ऑप्ट करनी चाहिए। ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन मैं मान लो जिम से थका के आता हूँ और उस दिन अगर घर पे पहले से ही खाना बना मिल जाता है मुझे सिर्फ गर्म करना होता है,
तो उससे अच्छी फीलिंग्स, अच्छी बोल रहा हूँ, कोई नहीं होती है। बट नाउ सिंस मैंने डाइट स्टार्ट कर दी है तो इसलिए मुझे खुद का खाना खुद ही बनाना है, वो टिफिन सर्विस वाले मेरे लिए वो खाना नहीं बना सकते। सो नाउ आई हैव स्टॉप्ड दिस सर्विस, बट मैंने एक महीने का ट्रायल कर लिया तो इसलिए आगे अगर मुझे फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो आई कैन गेट इट अगेन एज वेल। सो इसलिए मुझे लगता है अगर आप बहुत बिजी रहते हो आपके स्केड्यूल में, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में टिफिन सर्विस विल बी वेरी वेरी अमेजिंग थिंग फॉर यू गाइस। एंड मैं नीचे अब डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दे दूंगा, सारे नंबर्स दे दूंगा, जितनी भी टिफिन सर्विस है मेरी खुद की भी मैं पिन कर दूंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। इफ यू लाइक इट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स है तो आप हमेशा मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।